इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर से रिलेटेड करंट डेवलपमेंट्स और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। चाइना न्यूली टेस्टेड हेलीकॉप्टर ड्रोन्स इंडो चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय कर सकता है। यह है आज के दो डिफेंस न्यूज जिन्हें हम आज के डिफेंस न्यूज स्कैन एडिशन में स्कैन करेंगे। जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के डिफेंस न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। हर बार की तरह इस एडिशन में भी हम टॉप टू न्यूज स्कैन करेंगे जिनकी इन्फॉर्मेशन आप ग्रुप डिस्कशन लेक्चरेट में यूज कर सकते हो, पर्सनल इंटरव्यू में डिफेंस नॉलेज रिप्रेजेंट कर सकते हो और अपने ड्रीम इंस्टीट्यूशन के बारे में और डिटेल में जान सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज है इंडियन नेवी को अगर इन फ्यूचर ग्लोबल मैरिटाइम स्ट्रक्चर में बिगर रोल प्ले करना है तो नेवी को अपने करंटली ऑपरेटिंग 140 प्लस वॉरशिप्स की एग्जिस्टिंग फ्लीट को एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न वॉरफेयर से कंपैटिबल बनाना होगा, एज वेल एज न्यू वेसल्स स्पेशली सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के नंबर भी बढ़ाने होंगे। वी आर डूइंग गुड इन कीपिंग अवर सबमरीन्स काउंट हाई, बट जहां तक एयरक्राफ्ट कैरियर की बात है वी नीड टू स्पीड अप। हमें सिर्फ अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से ही नहीं चाइनीज नेवी के इंडक्शन स्पीड और प्रोग्रेस को ध्यान में रखकर अपने नेवी के इंडक्शन स्पीड बढ़ानी होगी। इंडियन नेवी में ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो फिलहाल INS विक्रमादित्य इज दी ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर वी हैव। उसी के साथ इंडिया अपना पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत केरला में सिचुएटेड कोचीन शिपयार्ड द्वारा कंस्ट्रक्ट करवा रहा है। रीसेंट अपडेट्स की बात करें तो फिलहाल COVID-19 की वजह से INS विक्रांत के सी ट्रायल्स अब पोस्टपोन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट ट्रायल्स 6 मंथ के बाद मींस सितंबर और अक्टूबर 2020 में किए जा सकते हैं। इस 262 मीटर लॉन्ग एयरक्राफ्ट कैरियर के पहले सी ट्रायल्स जिसे बेसिन ट्रायल्स भी कहा जाता है 12 मार्च 2020 को किए जाने थे जिसे कुछ टेक्निकल रीजंस के वजह से अप्रैल 2020 में पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन COVID-19 की वजह से ये टेस्ट अब तक कंडक्ट नहीं किए गए हैं। INS विक्रांत का कंस्ट्रक्शन फरवरी 2009 में स्टार्ट हुआ था। अगस्त 2013 में इसे लॉन्च किया गया था और 2018 तक डिलीवरी डेट सेट की गई थी, लेकिन रशिया द्वारा प्रोवाइड करवाए जाने वाले एविएशन इक्विपमेंट्स में देरी के कारण डेट में इतनी देरी हुई है। दिसंबर 29 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेवी चीफ करमबीर सिंह ने 2022 तक ये वॉरशिप तैयार होने की सूचना दी थी। अब देखना होगा कि ये कितना डिले होगा। अब बात करते हैं थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की। CDS विपिन रावत ने अपने स्टेटमेंट में थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत ना होने का इनडायरेक्ट मैसेज दिया था जिसपे नेवी ने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशनल नेसेसिटी बताया था। फिलहाल इस पर कुछ नया अपडेट नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है कि नेवी को आज भी परमिशन मिलती है तो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल होने में 15 से 20 साल लगेंगे। इस बात को ध्यान में रख के नेवी को डिसीजन लेना होगा। नेक्स्ट न्यूज पर बढ़ने से पहले मैं आपको आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास टेलीग्राम चैनल से अवेयर कराता हूँ। ये एक ऑनलाइन इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है जहाँ आप आफ्पा और क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास असेसर से 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो मैसेज के थ्रू। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप इस ग्रुप पर अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो जिसका आंसर आपको आफ्पा असेसर्स वीडियो के थ्रू देंगे। इस चैनल का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है जिस पर क्लिक करके आप इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। चाइनीज मीडिया के अकॉर्डिंग इंडो चाइना बॉर्डर पर चाइना अपना न्यूली डेवलप्ड अनमैन हेलीकॉप्टर ड्रोन AR-500C डिप्लॉय कर सकता है। ये 15,000 फीट से फायर स्ट्राइक्स करने और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिस्टर्ब करने कैपेबल है। रिकॉग्निशंस और कम्युनिकेशन रिले जैसे मिशंस कंडक्ट करने के इस इजी टू ऑपरेट डिवाइस को यूज किया जा सकता है। एज पर चाइनीज स्टेट ओन मीडिया आर्म चाइना सेंट्रल टेलीविजन, ये डिवाइस एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने डेवलप किया है। इस अनमैन हेलीकॉप्टर की टेस्ट फ्लाइट रिसेंटली जियांगजी प्रोविंस के पायोंग में कंडक्ट की गई थी। 170 किलोमीटर पर आवर्स की मैक्सिमम स्पीड से फ्लाई करने वाला ये ड्रोन 5000 मीटर एलिवेशन से टेक ऑफ करने में सक्षम है जो मेनली ट्रुप को लिफ्ट करने या हाई एल्टीट्यूड सप्लाईज प्रोवाइड करने यूज किया जा सकता है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 500 kg है। इसके पहले भी चाइना हेलीकॉप्टर ड्रोन बना चुका है। करंटली प्लेट्यू ऑपरेशन पर फोकस करने चाइना 78G हेलीकॉप्टर ड्रोन ऑपरेट करता है। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा पैंगोंग त्सो में बोट पेट्रोल बढ़ाकर गलवान एरियाज में ट्रूप्स डिप्लॉय कर चाइना
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। अब अपनी स्टेट मीडिया के थ्रू चाइना ने ये नया पैंतरा आजमाया है जिससे वो इंडिया को साइकोलॉजिकली डोमिनेट कर सके। हेलीकॉप्टर ड्रोन्स की बात करें तो ये कम फ्यूल में इफिशेंटली लॉन्गर मिशंस पर यूटिलाइज किए जा सकते हैं। रनवे की जरूरत न पड़ने की वजह से हाई अल्टीट्यूड एरियाज जैसे सियाचिन और माउंटेनियस टेरेन में इस तरह के हेलीकॉप्टर ड्रोन्स काफी यूजफुल साबित हो सकते हैं। साथ ही साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये डिवाइसेस नॉइज क्रिएट करते हैं जिस वजह से इन्हें इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। इनकी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी इन्हें अनइजी टू मेंटेन बना देती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के एडिशन का एंड। अगर इस इंफॉर्मेशन ने आपके नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट की है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे नए डिफेंस न्यूज के साथ नए एडिशन में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।